एक सेकंड इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ। जी आई एम हियर सिंपली बिकॉज ऑफ मनोज बाजपाई। हमने एक फिल्म साथ में की थी लेकिन उसके अलावा आई थिंक आई एम ऑल्सो अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज एंड मैं खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे उनके साथ एंड गोइंग टू वॉच हिज फिल्म। वेरी एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग अ फिल्म क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम लोग सारे जितने सारे लोग हैं हम लोग इंडस्ट्री के नहीं हैं, हम लोग इंडस्ट्री के बाहर से हैं। तो जितना भी हम सपोर्ट करें इस तरीके सिनेमा को बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई हैव हर्ड सो मच अबाउट गली गुलिया, आई हैव हर्ड इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। तो आज मैं फिल्म को देखने आया हूँ। सी आई जस्ट थिंक इट्स I would never use the word disturbing, but लेकिन मैं ये कहूँगा कि it's a very powerful film. और मनोज बाजपाई जैसे एक अगर एक्टर हो और उसको मतलब वो रोल प्ले कर रहा हो, I think it makes all the difference. तो इसके लिए I'm just very intrigued to watch this film. Very intrigued. मेरे हिसाब से भी अलीगढ़, बट मनोज बाजपाई मेरे exactly, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो एक इंस्टीट्यूशन है। और अगर आज के तारीख में कोई भी बोले कि मुझे एक्टिंग स्कूल खोलना है यहाँ पे, देन मनोज बाजपाई शुड डू इट। तो आई थिंक ही विल ओनली बेटर हिज परफॉर्मेंसेस क्योंकि वो एक शख्स है जिनको एक नया चैलेंज चाहिए होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है, यू नो, फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ यू एज एन एक्टर। क्योंकि अक्सर हम लोग एक रट में घुस जाते हैं एंड एन एक्टर बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हिज इमेज कि नहीं यार मुझे यही करना है, इससे मेरा पैसा बनता है, इससे मुझे कमर्शियल सक्सेस मिलता है। बट ही इज़ डिफरेंट और मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। ये फिल्म देखने के बाद मैं शायद ये सीखूँगा कि क्यों ना हम कुछ अलग ट्राई करें। जैसे मैंने आई डन इट, यस, नहीं इवन अर्लियर इन लाइफ वाटर, काबुल एक्सप्रेस, नो स्मोकिंग, काफ़ी अलग फिल्म की मैंने, एंड आई वुड लाइक टू, आई थिंक ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ द एक्टर्स लाइक मी। हम लोग मैं तो बहुत मानता हूँ उनको। So I would love to see this film and then tell you what I feel about this film because it's going to be fantastic. मैं तो कोई critic नहीं हूँ, I'm a fan of his, so I love everything he does. Okay, Satyendra, Jethik crosses 90 crores. जी. How good feeling it is being a part of. It's good. It's very good. It's a very nice feeling and but like I said, मैं उनमें से नहीं हूँ जो उसकी मतलब I'll just keep dindora पीटना या you know I will move on to the next one now. और जो मेरी अगली फिल्म है वो Raw है और हर एक फिल्म के साथ हमें एक point prove करना होता है। तो रॉ के बाद बाटला हाउस, सो इट गोज़ ऑन। बट सत्यमेव जयते वेरी हैप्पी, अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म इज मनोज बाजपाई। जी अभी वर्कशॉप्स अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। शूट नवंबर 1st से शुरू हो रही है, जैन 5th को फिल्म कंप्लीट हो रही है, अगस्त 15th को हम लोग अनाउंस कर रहे हैं रिलीज, सो नेक्स्ट ईयर। सो इट्स ऑल सेट इन स्टोन, लेकिन रिसर्च काफ़ी होगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर वर्कशॉप्स अब करो, जैसे रॉ में मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, परमाणु में मैंने किए थे, मद्रास कैफे में, इट मेक्स अ डिफरेंस टू योर परफॉर्मेंस। ओके, लास्ट सवाल जी, नहीं आई बिकेम अ प्रोड्यूसर बिकॉज मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था तो मैंने खुद क्रिएट किया कंटेंट को। और कोइंसिडेंटली जो मेरी पहली फिल्म थी वो मेरे लिए इतनी अच्छी थी लेकिन आई डिड नॉट फिट इन, तो उसमें हम लोग ने आयुष्मान को लिया विकी डोनर में। सो आई थिंक जे एंटरटेनमेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, आई बिलीव, मैं मानता हूँ एंड ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कंटेंट को, आई थिंक इफ नॉट द बेस्ट, वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स इन द इंडस्ट्री टुडे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ऑफ कोर्स। देखिए मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ एंड आई हैव लिव्ड इन अंधेरी ईस्ट ऑल माय लाइफ, जम्बो दर्शन में, तो काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस है।
इतने सारे डार्क नहीं, लेकिन बट देयर बीन एक्सपीरियंसेस. और आज आप, मैंने कुछ ट्वीट किया, आप देखिए, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हूँ मैं, तो मैंने कुछ ट्वीट किया है, तो जब आप देखोगे आपको पता चलेगा. बट आई स्टिल फील, मुझे डर लगता है, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री फॉर चिल्ड्रन, फॉर वुमेन एंड फॉर एनिमल्स. और आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि इट्स नॉट अ सेफ कंट्री एट. तो ये हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है, जो अब तक हुआ नहीं, एंड इट कैन ओनली हैपन विथ एजुकेशन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म 7 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, 3 दिन रह गए हैं, और मनोज सर की परफॉर्मेंस इतनी सराही जा रही है, क्रिटिकल रिव्यूज़ आने शुरू हो गए, 4.5 स्टार्स दे रहे हैं सब. सो आई थिंक जिस जर्नी को हमने स्टार्ट किया था एक विजन लेके दोनों ने, मैंने और मनोज सर ने, वो अब धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ जा रही है रिलीज़ के साथ. अच्छा, लेकिन मैं आपसे निजी तौर पे जानना चाहता हूँ, क्या आपने कोई रेफरेंसेस दिए थे, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई कहानी कहना, जब तक आपने उसको खुद नोटिस ना किया हो, आप उसके खुद दर्शक ना रहे हो, आपने वो घटते हुए देखा ना हो, उसको स्क्रिप्ट बनाना बहुत मुश्किल है. मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ ये बात में. देर इज़ अ सेइंग दैट जब लिखते हैं आप, आपके एक्सपीरियंसिस से आना चाहिए, है ना. सो ये आई थिंक इस थॉट को बहुत लिटरली लोगों ने इंटरप्रेट किया है. तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी चाइल्ड बीटिंग से निकला हूँगा तो मुझे चाइल्ड वायलेंस के बारे में पता होगा. व्हाट दिस थॉट मींस कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए. अब मैं अगर साइंस फिक्शन फिल्म लिखूँगा तो मैं कभी स्पेस में नहीं गया हूँ, बट मैं अपने कोई भी एक्सपीरियंस को उसमें ट्रांसलेट कर सकता हूँ. सो आई पर्सनली बिलीव, लाइक स्टैनली क्यूब्रिक थे एक बहुत बड़े डायरेक्टर, वो अकेले एक घर में लंदन में रहते थे, लेकिन उन्होंने 2001 स्पेस ओडिसी वहीं पे बनाई, क्लॉकवर्क ऑरेंज भी वहीं से बनाई. सो उनका भी ये मानना था. आई रियली एडमायर हिम. आई हैव मोर डायरेक्टर्स दैट आई लाइक टू फॉलो देयर क्राफ्ट एंड ऑल दैट. बट आई एम रियली ग्लैड कि आपको फिल्म पसंद आई. बहुत लोगों को फिल्म हिट कर रही है, हॉन्ट कर रही है. मुझे जो 2 दिन पहले दिल्ली में देखे थे वो आज मैसेज कर रहे हैं कि 2-2 दिन तक वो फिल्म को फील कर पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था कि हमें एक ही ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है लोगों के लिए, कि अगर हम उनको अगर सक्सेसफुल रहे और उनको उस मेज़ में ले गए, उस दुनिया में ले गए, तो उनको फिर निकलने के लिए उतना टाइम लगेगा. और जहाँ तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, हाँ, मेरा इसमें रिसर्च गया है टूवर्ड्स चाइल्ड वायलेंस की तरफ, जो मैंने एंगल लिया है. पुरानी दिल्ली की कुछ गलियों से मैं निकला हूँ, मेरे नाना नानी वहीं रहते थे, सो आई हैव सीन दोज एलीज. ये जो रिप्रेजेंटेशन है ओल्ड दिल्ली का, ये मेरा अपना फीलिंग है कि मैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे लोग कैद हैं और वो किस तरह निकलना चाहते हैं. सो दिस इज़ वॉट आई से, ये बहुत बड़ा लक था मेरे लिए, या इस फिल्म की डेस्टिनी मान लीजिए, कि इन सभी किरदारों के लिए यही मेरे चॉइस था जब मैंने सोचा था लिखते वक्त. नीरज कभी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था शिप ऑफ थीसियस के टाइम से, और उन्होंने उस टाइम जैन मॉन्क प्ले किया था जो बहुत नॉन वायलेंट है, और मेरे दिमाग में था कि मैं इस कैरेक्टर को, इस एक्टर को जो एकदम कैरेक्टर में ढल जाता है, इसको मैं एक बहुत वायलेंट कसाई के रूप में देखना चाहता हूँ. एंड आई वांट टू सी कि ये कैसे करेंगे. शाहाना वाज द फर्स्ट चॉइस, रणवीर वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस फॉर द फ्रेंड. सो ये एक, आई थिंक, एक स्क्रिप्ट का पुल भी था, क्योंकि जिसने भी स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर लकीली, अब ये मेरे साथ पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा होगा कि नहीं होगा, बट इस फिल्म के ऊपर मैंने किसी से ना नहीं सुना, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, हॉलीवुड के बड़े से बड़ा टेक्नीशियन हो, या यहाँ के बड़े से बड़े एक्टर्स हों. ओके, द लास्ट वन, ऑल द पीपल आर हियर टू सपोर्ट यू, जॉन इज हियर, पत्लिका इज हियर, पूजा इज हियर, डू यू थिंक आफ्टर बैटल इज गॉन विल द पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर फिल्म एंड दे आर हियर टू सपोर्ट यू? सी, आई एम हम्बल्ड कि ये लोग इतने बिजी हैं और अपना टाइम निकाल के एक डेब्यू फिल्म मेकर की फिल्म को सपोर्ट करने के लिए आए हैं. इट इज़ देयर जेनरॉसिटी, देयर बिगनेस, यू नो, इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ वर्ड ऑफ माउथ. बट इवेंचुअली ये फिल्म का जो, यू नो, एक्सेप्टेंस है वो ऑडियंस का है.
सो मेरे लिए जैसे कल की जो स्क्रीनिंग थी, प्रेस स्क्रीनिंग, और लोगों ने देखा, और तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो वो ऑडियंस है, दे विल बी आउट एंड दे विल बी टॉकिंग अबाउट इट. जब मैं कोई स्क्रीनिंग करता हूँ, जैसे मैंने इंडिया हैबिटेट में किया जहाँ पे नॉर्मल ऑडियंस आई, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है गेज करने के लिए कि इस, क्योंकि ये नैरेटिव थोड़ा डिफरेंट है, इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी जैसे इंडिया में सुनाई जाती है. सो मेरे लिए हमेशा ये रहता है कि मैं, एंड इट्स नॉट अ विन और अ लूज सिचुएशन, इट इज़ जस्ट टू सी कि यहाँ पे कितना एक्सेप्टेंस है. एंड आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड कि इतना न्यू टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग को इतना ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस मिल रहा है. थैंक यू. धीरे बोल रहे अंदर फिल्म चल रही है. हाउ डू यू डू मेरा काम है, मेरा पेशा है और मेरा जुनून है हर बार कुछ नया करने का. और मेरी कोशिश ये रहती है कि वो सब किया जाए जो लोगों ने कभी देखा नहीं हो, जो चीज़ें मुझे बेहतर एक्टर बनाए. समय बदलता जा रहा है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, नए नए एक्टर आ रहे हैं, नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नई नए तरीके की फिल्में दुनिया भर में बन रही हैं. मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं दुनिया भर में जितने भी अच्छे एक्टर आ रहे हैं उनसे सीख करके और भी बेहतर करने की कोशिश करूँ. देखिए कमर्शियल फिल्में मुझे एहसास इस बात का बहुत पहले हो चुका था, जब मैं सत्या के बाद ही एहसास हो चुका था कि कमर्शियल फिल्में कभी कभी करनी ज़रूरी है. अगर वो हिट हो जाती है तो उससे मैं जिस तरह की फिल्मों को बढ़ावा देना चाहता हूँ, जिस तरह की परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, उसको बहुत फ़ायदा मिलता है मार्केट से उनको रिलीज़ कराने में. तो इसलिए कमर्शियल फिल्मों के साथ जुड़े रहना भी ज़रूरी है. और मेरा चूँकि अपना झुकाव इस तरह की फिल्मों की तरफ है तो ये मैं करता रहता हूँ और कमर्शियल फिल्मों से शक्ति लेता रहता हूँ मार्केट के लिए. नहीं, कोई प्रेशर नहीं. जब आप जानते हो कि स्क्रिप्ट इतनी कमाल है, इस ये बंदा दुनिया के टॉप मोस्ट फिल्म मेकिंग स्कूल से पास आउट हो चुका है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, एक शॉर्ट फिल्म बना चुका है और जिसको अवार्ड मिल चुके हैं, और जब आप उससे बैठ के बात करते हो तो लगता है कि यार ये बहुत ही जानकार बंदा है और इसको हर चीज़ की जानकारी है. उससे उसको पता है कि फिल्म को कैसे शूटिंग करनी है, उसकी जो यूनिट उसने सोची है, जो क्रू बनाया है उसने, वो भी एक से एक है. तो इसने बहुत, दीपेश जैन में वो काबिलियत है कि क्रिएटिव भी उतना ही है और मार्केट को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है. ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता नहीं है. नहीं, बहुत से देखिए वो सीन जी, वो सीन लिखा गया था जिसमें, लेकिन उसको एक्सटेंड किया मैंने क्योंकि मुझे लगा कि वो सीन वहाँ पे ख़त्म नहीं होना चाहिए जहाँ पे स्क्रिप्ट में था. फिर उसको हमने एक्सटेंड किया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया बहुत सारा, डायरेक्टर को बुला के बिठा के समझाना कि इसको और आगे के लेते हैं. फिर डायरेक्टर उतना इंटेलिजेंट, जो आपने करके दिया उसको, उसको भी कैप्चर किया उसने उसको. और हमने, हमारी शूटिंग जो थी 2 घंटे में ख़त्म होने वाली थी, हमारी शूटिंग 6-7 घंटे चली थी उस रेस्टोरेंट के अंदर में, और वो रेस्टोरेंट का शटर बंद था. और उस रेस्टोरेंट में जो वो जो भट्टी थी वो रात को 2 बजे बंद हो चुकी थी, 3 बजे, और इतनी गर्मी उसके अंदर में, इतनी गर्मी कि सारी यूनिट भाग गई थी बाहर, कोई रुका नहीं था, सिर्फ मैं और कुछ एक्टर्स थे और कैमरामैन थे. सर, हाउ हैप्पी यू फील व्हेन जॉन, पत्रलेखा, पूजा, एवरीवन हियर टू सपोर्ट एंड दे रिस्पेक्ट एंड लव यू अ लॉट. आई लव देम, मैं इन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ. चाहे जॉन के साथ में एक ऐसी दोस्ती हुई है शूटा डर वडाला और अब सत्यमेव जयते के बाद, कि मुझे जॉन कभी भी बुलाएगा तो मैं जाने को कहीं भी खड़ा होने के लिए तैयार हूँ. और जॉन ने खुद ही कहा था कि मुझे फिल्म देखनी है, मेरे लिए आप एक स्क्रीनिंग रखिए,
फिर पत्र लिखा और राजकुमार मेरे दोस्त ही नहीं मेरे परिवार हैं बहुत सालों से, और पूजा चोपड़ा जो है वो आउच में थी शॉर्ट फिल्म में, फिर अयारी में थी, बहुत अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा करे और प्योर हार्टेड है, तो अच्छे लोग साथ में रहें इस इंडस्ट्री में वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही है, हमारे देश में सिर्फ बच्चे, औरतें और जानवर तीन, हमारे देश में बहुत ही मतलब इतने असुरक्षित हैं और उनके लिए कोई कड़े से कड़ा कानून नहीं लेके आया जा रहा है, वो अपने आप में एक शर्मनाक बात है। ये जितनी जल्दी हो सके इसके खिलाफ कानून लाने की ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैम यहाँ पे, मैम सर मैम ना मैम बट डर नहीं है यहाँ पे मैम, ये हैट्रिक बाकी है, दो दो हो गई है, एक हैट्रिक बाकी मैम, सामने मैम 15 मिनट में शुरू करेंगे, हां ठीक है, अरे कितनी नहीं इधर उधर नहीं होते, मम्मी इनफैक्ट अभी बॉम्बे में ही है, जी जी ट्रेलर देखा है, ट्रेलर बहुत पसंद आया, इनफैक्ट परसों मैं अटेंड नहीं कर पाई स्क्रीनिंग, तो इसके लिए मैंने बहुत माफ़ी मांगी, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी एंड, और मैंने मनोज जी से ये भी कहा कि मैं थिएटर में जाके बाकायदा देखना चाहती हूँ पैसे देकर, सॉरी शुड वी डू वांट टू डू इट अगेन। ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, ट्विटर पूरी ट्विटर द होल ट्विटर इज़ ऑन फायर, सिर्फ मूवी के बारे में मनोज जी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि परसों की स्क्रीनिंग मैंने मिस कर दी और बहुत गालियां पड़ी, बहुत डांट पड़ी, और मैंने ये भी कहा कि मैं थिएटर में जाके बाकायदा टिकट लेकर देखूंगी, बट ही सेड नो आप स्क्रीनिंग पे आओगे और साथ में बैठ के देखेंगे, तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे। अभी तो थोड़ी मायूस हूँ क्योंकि जैसे मनोज जी ने मुझे ऑलरेडी कहा कि जैसे अब बाहर निकलोगी मूवी देखकर तो बहुत मायूस हो जाओगी, दो दिन तक दो घंटे तक मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, तो मैं ऑलरेडी थोड़ी सहम गई हूँ, बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग स्ट्रॉन्ग फिल्म एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंस, आई नो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट आई थिंक there's so many, his body of work is limitless, I think the sky is the limit for him, wo jis tarike se character ke bariki pakadte hain and he doesn't he just I've worked with him twice, I've worked with him in Auch, I've worked with him in Ayari, so I can tell you ki he has the passion, he has a great intense love for cinema aur wo unke kaam se the moment you watch him on screen wo jhalakta hai, that passion and that perseverance that he puts into, so I think that really sets him apart, lots to learn from him and I have learned a lot from him. Okay, what happened on professional front? Things are going on, you all will know soon. Thank you so much. thank you kaise puja, your weekend skin care routine? Weekend skin care, my routine is the same every day, there's no weekend special skin care routine, but yes I go to the gym, I think it's very important, sweating is really important, it opens the pores, it makes you glow, it makes you feel better, it releases endorphins, I eat a lot of fresh vegetables, fruits, I totally stay away from junk, 7 baje ke baad main khana nahi khati, bahut green tea peeti hu and I try and stay happy, it's not very difficult to stay happy, you just need small little things to be happy about. Okay, skin care tips for the season? बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, रोज़ एक नारियल पानी ज़रूर पीजिए, हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, गेट इनफ स्लीप एंड डू समथिंग दैट यू लव।
You know, for me, even if I work for 23 hours, which I have, I've still managed to look fresh because what I go for is what I love. So, wo jo freshness hai, wo andar se, khushi andar se aati hai. So, I think it's that what should show. How to be more confident? Be yourself. Okay, how, unabashedly yourself. Unapologetically yourself. How to put a command on the language? How to speak confidently in public. I think from a very young age, if you're involved in plays, dramas, elocution competitions, speeches, that helps. That helped me a lot. One hair myth I burst. A lot of people say oiling is good. A lot of people say oiling isn't good. I think for me it works. Thank you so much. Thank you. I'm expecting a phenomenal performance क्योंकि मैंने सुना है ये मनोज सर की आज तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है. Because he is a national treasure and मनोज सर always surpasses himself. Yes, I did. It's very complex, I think so. और मेरे को उस ट्रेलर देख के इतना समझ में नहीं आया कि what is the film trying to say and that's why I'm so intrigued to watch it. धमाकेदार परफॉर्मेंस. मैं एक सीरीज कर रही हूँ ऑल बालाजी के साथ. मैं एक सीरीज़ कर रही हूँ ऑल बालाजी के साथ, कुछ प्रदीप सरकार के साथ हम कुछ कर रहे हैं इस महीने. तो यस, या मी टू. I think it's a great feeling for the team, what I can see. And also everybody puts so much hard work in a film. So if the film does well collectively, the whole crew and cast does well. So it's a win-win situation for everyone. Thank you so much. Drink lots of water. Wash your face before you go off to sleep. Take off all the makeup. Okay, skin season tip for the skin, if you want to share something. Drink lots of water. Okay, do you like homemade food? Yeah, who doesn't love homemade food? I love my mom's home cooked food. Okay, how to look fresh even if it is there's a hectic schedule. Put lots of makeup. Thank you. How to be more confident? Wear confidence. You know, he always lives up to the expectation, so yeah. Sensible film, good film, great performance, memorable performance, you know, every film there is a lot of work on the character, alag-alag, what you call, look, different, like how the body language changes. So, as a director, for me, it's a learning process to watch Manoj act, that itna variety, itna nuances unpe hai actor hisab se ki hamesha director ke naate unko dekh kar seekhna bahut kuch milta hai. Thank you. Upcoming project ke bare mein bata abhi is film ke baad abhi chhod. Thank you.
See, Manoj is one of our most prolific actors of our time, especially in Hindi speaking. उनका जो ज़ुबान है इतना अच्छा है कि वो सुन के ही ऐसा लगा कि यू नो भाषा के बारे में आपको ज़्यादा हिंदी भाषा के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा होता है. उतना अच्छा वो ज़ुबान यूज़ करता है. ऐसे एक्टर्स बहुत कम हैं हिंदी सिनेमा में आजकल. यू नो बिकॉज इन टुडेज़ यंगर जनरेशन दे ऑल स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम एंड यू नो दे स्पीक हिंदी इन अ वेरी डिफरेंट वे. जो हार्डकोर हिंदी है जो भाषा के एक ज़ुबान का एक अच्छी, तो उस लेवल पे मुझे हर फिल्म में मनोज का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगता है. खास करके ये फिल्म में ही हैज़ डन अ व्हाट यू कॉल अ हार्ड पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस. मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल स्पेशली इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ये फिल्म का परफॉर्मेंस के लिए. तो आई फील दिस विल कट अक्रॉस टू पीपल्स हार्ट. इट विल मेक पीपल थिंक and not just entertainment, it's also people make you realize that how a man's plight, you know, affect humanity ka ek baat hota hai. To wo ek sense of humanity comes from this performance. Thank you sir, thank you so much. Okay sir, Gali Guliya, I hope ki aapne trailer dekha hoga. Aap bataiye ki aapka feedback. Are it's a power packed movie and ऑब्वियसली अगर मनोज बाजपेयी जिस पिक्चर में होंगे वो तो फैबुलस होने ही है. वो अभी मैं उनको कह रहा था कि वो ऐसे कैरेक्टर हैं कि हर कैरेक्टर उनको सूट होता है. मतलब कैसे पता नहीं. अभी अगली पिक्चर जो कर रहे हैं उसकी भी मेरे को फोटोग्राफ दिखा लिया. ऐसे इसमें भी आप फिट हो रहे हो. मतलब है क्या, बिकॉज वर्सेटाइल है ना. तो आई डोंट नो, पब्लिक या तो उनके लिए स्क्रिप्ट लिखती है, वो स्क्रिप्ट में अच्छी तरह घुस जाते हैं, वो पता नहीं मेरे को. और ये तो बहुत ही हार्ड हिटिंग स्टोरी है. एक साल पहले बनी हुई थी और हर फेस्टिवल में जा चुकी है. आई एम वेरी एक्साइटेड. इन्होंने मेरे को अब भी बोला, मैं एक स्क्रीनिंग रख रहा हूँ, आ जाएगा क्या? आज सर मैं अब भी आ रहा हूँ, मेरे ऑफिस बाजू में ही है. वैसे मैं तो भाग के आ रहा हूँ, मेरी वाइफ को भी ले आया, मेरा राइटर भी साथ में लिख रहा था दूसरी कहानी. मतलब तू भी आ जा देखने, बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म है. वो तो अब मैं देख के ही बताऊँगा कैसी है. बट ट्रेलर देख के तो ऐसे लग रहा है कि जो है अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से एंड हार्ड हिटिंग है, तो मुझे वो बहुत पसंद आती है. देखिए, मनोज सर से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि मैं जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैं असिस्टेंट था, तब से मैं उनको जानता हूँ, तब से उनके साथ एक निजी रिश्ता बना हुआ है. तो इस फिल्म को लेकर मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा था और बहुत ही हटकर लग रहा था कि कुछ अलग मामला है इसमें. तो वो देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वक्त. जी बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम ज़मीनी आदमी है, बहुत ही सटीक, एकदम हमारे क्या कहते हैं कि ज़मीन के आदमी हैं. और उनका अभिनय और ये तो मतलब काबिल तारीफ है. तो वो उनकी कोई भी चीज़ होती है, मैं मतलब कोई बुरी पिक्चर भी हो तो उनमें उनका काम एकदम अलग से निकल के आता है. तो इसीलिए मेरा अभी चल रहा है, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी बताना बहुत मुश्किल है. पता नहीं, देखते हैं, शायद कुछ अलग ही हो. तो मैं भी अपने आप को चैलेंज करूँगा. आई थिंक ही इज पिकिंग द राइट रोल्स, बिकॉज आई थिंक ही इज पिकिंग ग्रेट परफॉर्मेंसेज, ग्रेट रोल्स, ग्रेट कैरेक्टर्स एज अगेंस्ट द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर, विच इज़ वॉट इज गिवन हिम द काइंड ऑफ एज दैट इज गॉट राइट नाउ. एंड आई रियली थिंक ही इज सो टैलेंटेड, आई थिंक ही इज रियली ऑन टू समथिंग बिग. And I think this confirms with Karan's film that he's doing, Takht. So that is a big, big testimony for what talent he has. नहीं, actually मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब everybody associates Masaan has really done lot of volume of work, and I have not, because I have been dilly-dallying with some certain kind of script. तो मैं अपना खुद का time ले रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी associates हैं सारे लोग बहुत काम कर चुके हैं. ना सिर्फ एक्टर्स बट ऑल्सो सारे जो क्रू मेंबर्स हैं, जो एच ओ डीज हैं, सब ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया. थैंक यू.
सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर कट डन हो गया सर, ये राइट साइड कौन सा है, सर यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे दो तो फिर रुक गया सर, आप स्टे किया हाँ सर।